बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फर्स्ट का सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 5 क्लास सेकंड चैप्टर सर्कल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स पेज नंबर 56। सर्कल, लिसन, रीड एंड ड्रॉ। सुनो, पढ़ो और ड्रॉ करो। वन डे मोहिनी वॉज सिटिंग विद हर ग्रैंड मदर। एक दिन मोहिनी अपनी दादी के पास बैठी थी। ग्रैंड मदर ड्रू ए सर्कल, तो दादी ने एक सर्कल बनाया। सर्कल क्या होता है? राउंड शेप में, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा रखा है। कैन यू ड्रॉ ए सर्कल, मोहिनी? तो वो मोहिनी से पूछती है कि क्या तुम एक सर्कल ड्रॉ कर सकती हो? येस आई कैन, तो मोहिनी क्या कहती है? हाँ, मैं कर सकती हूँ। सून मोहिनी ड्रू ए सर्कल, तो जल्दी ही, सून होता है जल्दी, मोहिनी ने एक सर्कल ड्रॉ किया। नाउ आई विल ड्रॉ ए बॉल, तो क्या कहती है? अब मैं एक गेंद बनाऊंगी। ग्रैंड मदर ड्रू 3 लाइन्स ऑन द सर्कल्स, दादी ने सर्कल में 3 लाइनें खींची। मोहिनी ड्रू 3 लाइन्स ऑन हर सर्कल, तो मोहिनी ने भी अपने सर्कल में 3 लाइनें खींची। देखो ध्यान से पिक्चर में, दादी भी लाइन खींच रही है और मोहिनी भी लाइन खींच रही है। तो इट रियली लुक लाइक ए बॉल, तो सर्कल में लाइन खींचने से वो वास्तव में रियली में क्या लग रही थी? एक बॉल की तरह लग रही थी। नाउ लेट्स अस ड्रॉ ए बैलून, आओ, दादी क्या कहती है? आओ अब हम क्या करेंगे? एक बैलून को ड्रॉ करेंगे। ग्रैंड मदर एड ए जिग जैग लाइन टू द सर्कल, तो दादी ने सर्कल में एक जिग जैग लाइन ऐड की, ड्रॉ की। तो बच्चों, जिग जैग मीन्स क्या होता है? जैसे जेड होता है ना, ऐसे ही जेड के तरह उसने बिल्कुल जेड जैसे बनाया, सर्कल में जेड ड्रॉ करे। अब जेड होता है जैसे जिग जैग, टेढ़ी मेढ़ी लाइंस होती हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 57। ओह, इट रियली लुक्स लाइक ए बैलून, तो देखो बैलून्स में देखो, इन्होंने जैसे येलो बैलून है उसमें कैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन जिग जैग की तरह लाइन खींच रखी है। तो वो क्या कहते हैं? ओ इट रियली लुक्स लाइक ए बैलून, कि ये सच में बैलून्स की तरह दिख रहे हैं। मोहिनी क्लैप विद जॉय, मोहिनी खुशी के साथ क्लैप करती है, ताली बजाती है। मोहिनी ड्रू मैनी सर्कल, तो मोहिनी बहुत सारे सर्कल खींचती है। बिग एंड स्मॉल सर्कल, बड़े और छोटे सर्कल, रेड कलर में, रेड ब्लू ग्रीन एंड येलो सर्कल, तो वो लाल रंग के, नीले, हरे और पीले रंग के सर्कल खींचती है। तो शी ऑल्सो एडेड जिग जैग लाइन्स टू दीज, तो इन ये सर्कल्स में जो चारों कलर्स के सर्कल हैं उनमें जिग जैग लाइन भी खींचती है, जिससे ये बैलून्स बन जाते हैं। एंड नाउ देयर वर मैनी बैलून्स, और अब उसके पास बहुत सारे बैलून्स होते हैं। कैन यू ड्रॉ समथिंग एल्स विद ए सर्कल, क्या आप भी समथिंग कोई और चीज़ विद ए सर्कल, सर्कल के साथ खींच सकते हो? जैसे उसने सर्कल्स में कभी लाइन्स खींची तो वो बॉल बन गई, अब जिग जैग लाइन खींची तो बैलून बन गए, तो आप भी खींच सकते हो? यस सेड मोहिनी, तो मोहिनी ने कहा हाँ अपनी दादी को। शी ड्रू ए व्हील, कहती मैं एक सर्कल से व्हील बना सकती हूँ, मून बना सकती हूँ, सन बना सकती हूँ, रैबिट बना सकती हूँ, एंड हर ऑन फेस, और अपना चेहरा भी बना सकती हूँ जैसे कि वो दिखा रही है। तो बच्चों, आपको ये पॉइंट समझ आई? सर्कल जिसमें उसने सर्कल शेप में सर्कल से कई चीज़ें बनानी सीखी। और ये जो चैप्टर है आपकी, पॉइंट है सर्कल, ये किसका लिखा हुआ है? मनोरमा जापा का। कुछ आगे न्यू वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स कौन से हैं? बॉल, तो बॉल क्या होती है? एक खेलने के लिए एक ऑब्जेक्ट होता है जो राउंड शेप में होता है। ब्लू क्या होता है? नीला कलर होता है। सर्कल क्या होती है? एनीथिंग विच हैज़ राउंड शेप, जो राउंड शेप में होती है। लाइंस क्या होती हैं? लाइंस कुछ जैसे हम स्लीपिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस, ऐसे लाइंस खींचती हैं, रेखाएं खींचती हैं। मून क्या होता है? चंद्रमा, जो रात को आता है। लेट्स रीड, आओ पढ़े। आई कैन ड्रॉ ए सर्कल, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। द मून इज राउंड, जो मून है, चंद्रमा है, वो क्या है? गोल है। नेक्स्ट पेज नंबर 58। रीडिंग इज फन, पढ़ने में मजा है। व्हाट डिड ग्रैंड मदर एंड मोहिनी ड्रॉ फर्स्ट, तो ग्रैंड मदर और मोहिनी ने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया? ग्रैंड मदर एंड मोहिनी ड्रू ए सर्कल, दोनों ने सर्कल ड्रॉ किया। व्हाट वर द कलर्स ऑफ द बैलून्स डैट मोहिनी ड्रू,
तो बैलून्स के कलर्स बताने हैं जो मोहिनी ने खींचे थे, ड्रॉ करे थे। तो बच्चों कौन कौन से कलर थे हम क्वेश्चन से ही लेंगे। द कलर्स ऑफ द बैलून्स विच मोहिनी ड्रू वर रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। नेक्स्ट क्या है, लेट्स ड्रॉ, आओ कुछ ड्रॉ करें, आओ कुछ खींचें। इन द सर्कल बिलो ड्रॉ, इन सर्कल में जो नीचे दे रखे हैं हम कुछ ड्रॉ करते हैं। व्हाट ग्रैंड मदर ड्रू, ग्रैंड मदर ने क्या क्या ड्रू करा था, क्या क्या ड्रॉ करा था। तो फर्स्ट क्या था, सर्कल, फिर उन्होंने कुछ लाइंस खींची थी, लाइन से बॉल्स बनाई थी, फिर जिग जैग्स लाइंस खींची थी जिससे क्या बना था, बैलून्स। और व्हाट मोहिनी ड्रू, मोहिनी ने भी पहले सर्कल बनाया था, फिर बॉल, फिर बैलून और फिर व्हील, फिर फेस, मून, ऐसे कई चीज़ें बनाई थी। तो बच्चों आप ग्रैंड मदर का बीच में बॉल बना सकते हो या बैलून बना सकते हो इस सर्कल में, और मोहिनी का भी बैलून या व्हील बना सकते हो ऐसे लाइन्स डाल के, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन्स डाल के। लुक, नेक्स्ट क्या है, लुक एट दीज शेप्स, इन शेप्स की और देखो। तो बच्चों ये हैं शेप्स, फर्स्ट है हमारी ट्राइंगल, सेकंड है स्क्वायर और थर्ड है रेक्टेंगल्स। ट्राई मेकिंग दीज शेप्स इनटू, तो इन शेप्स से हम ने क्या क्या बनाना है, इनटू ए कार, ए हाउस, ए डोर, एनीथिंग एल्स और कोई और चीज़। तो फर्स्ट इन्होंने हमें इन शेप से एक हाउस दिखा रखा है, तो बच्चों हम इनसे और चीज़ भी बना सकते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट क्या है ये देखो बच्चों, ये है हमारी ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होती है, ट्राई मीन्स जिसमें थ्री साइड्स होती हैं, और ये हमारी बनेगी रेक्टेंगल शेप। ये क्या बनेगी हमारी, रेक्टेंगल शेप, जैसे इन्होंने हाउस दिखा रखा है। और ये हमारा बनेगा स्क्वायर शेप, और ये फिर से हमारी क्या बनेगी, रेक्टेंगल शेप। तो इसमें हमने एक रोशनदान दिखा दिया, तो ये हमारा सर्कल शेप में, और ये ट्रायंगल शेप में जिसमें थ्री साइड्स होती हैं, और ये हमारा है स्क्वायर जिसमें फोर साइड्स क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं, और दिस इज़ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, दिस साइड इज़ इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज़ इक्वल टू दिस। और ये क्या है हमारी, ट्रायंगल, इसमें हमने इस तरह ब्रिक्स दिखा सकते हैं। तो ये हमारा शेप से एक हाउस बन गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, एक कार बनाएंगे। तो देखो बच्चों ध्यान से, ये हमारी हुई स्क्वायर शेप में, इसके साथ हमने क्या बनाया, टू ट्रायंगल्स बनाई इसके साथ। ठीक है बच्चों, थोड़ी बराबर की कर लेते हैं हम इसमें। और नेक्स्ट इधर क्या है, रेक्टेंगल शेप, और बीच में हम क्या बनाएंगे, व्हील बनाएंगे, ये में हमारे कार के व्हील। ठीक है बच्चों, ये हमारी हुई कार। तो आप इसमें ये एक बॉयज दिखा सकते हो, ये एयरिंग हो गया। ठीक है बच्चों, डोर क्या है, डोर हम इस तरह इसमें हट में दिखा सकते हैं, ये हमारा हुआ डोर। ठीक है बच्चों, और क्या है, कार हो गया, हाउस हो गया, डोर हो गया, एनीथिंग एल्स। और क्या बना सकते हैं हम, ट्री बना सकते हैं। ये हुई हमारी थ्री ट्रायंगल्स, ये हमारा हुआ क्रिसमस ट्री। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हुआ, क्रिसमस ट्री। और क्या बना सकते हैं हम, ट्रैफिक लाइट्स बना सकते हैं। ये देखो, ये हमारी रेड लाइट, फिर क्या होती है येलो लाइट, फिर क्या होती है ग्रीन लाइट। तो इनको मैंने इस तरह एक डिब्बे में कर दिया, ये हमारी हुई रेक्टेंगल शेप, ये भी हमारी क्या हुई, रेक्टेंगल शेप। और ऊपर से मैंने सेमी सर्कल बना दिया, और साइड में ट्रायंगल बनाएंगे, ये हमारा हुआ ट्रैफिक लाइट। तो आप शेप से बहुत कुछ बना सकते हो बच्चों। तो आपको समझ आया, नेक्स्ट हमारा पेज है 59। ड्रॉ अलोंग द डोर्स, डोर्स के साथ ड्रॉ करना है। सो व्हाट डिड यू मेक, तो देखो क्या बनता है। कैन यू मेक साउंड्स, क्या आप साउंड्स निकाल सकते हो, लाइक के ट्रेन, एक ट्रेन की तरह। तो बच्चों देखो इनमें क्या है, कुछ शेप्स हैं, शेप से इन्होंने ट्रेन बनानी है। तो हमने इस लाइन से, इस डॉट से हमें ड्रॉ करना है। फर्स्ट हमारे पास सर्कल शेप में है, नीचे ट्रायंगल शेप में है। तो बच्चों आप ये खुद भी कर सकते हो, इसको ड्रॉ कर लेना, ये हमारी ट्रेन बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे इसमें में क्या है, इसके डिब्बे हैं, और नीचे सर्कल शेप में इसके व्हील है। तो आप इसकी आवाज़ निकाल सकते हो बच्चों, कैसे निकलती है ट्रेन की आवाज़। और ऊपर से इन्होंने
इसका धुआं भी निकलता हुआ दिखा रखा है, तो आप इसे ड्रॉ करना और इसकी आवाज़ निकाल के देखना, छुक 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 ऐसे करके। ड्रॉ ए फेस ऑन द बैलून बिलो वन हैज़ डन फॉर यू। तो बच्चों आगे क्या है, हमने बैलून देखे हैं नीचे दो, एक पे उन्होंने फेस ड्रॉ कर रखा है, वन हैज़ डन फॉर यू, एक करके दिखा रखा है, तो नेक्स्ट आप स्माइल फेस भी बना सकते हो। तो बच्चों ये तो बिल्कुल इजी है, आप इसे इजी तरीके से बना सकते हो। इसमें आप आइज़ बना दो, नोज़ बना दो और माउथ बना दो स्माइली फेस से। तो नेक्स्ट पेज नंबर 60, तो 60 पेज पे क्या है बच्चों, लेट्स रीड, आओ पढ़ें एंड राइट और लिखें। तो ये है इंग्लिश अल्फाबेटिक, हमें स्मॉल ABC दे रखी है, इसमें फर्स्ट लाइन आपको डन करके दिखा रखी है, तो आप नीचे इसकी सारी ट्रेस करके इनको ड्रॉ करोगे, ये तो बिल्कुल इजी है, आप तो कर सकते हो। नेक्स्ट पेज नंबर 61 में क्या है, मैंगो, नट, ऑरेंज, पीच, ये भी हमने इन पे डॉट्स पे ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट क्या है, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। अब इसमें क्या है, हमने पिक्चर्स दिखा रखी है, हमने इन ब्लैंक्स को भरना है। तो फर्स्ट क्या है, डॉग, तो डी देखते हैं, आपने OG डालना है। नेक्स्ट क्या है, BULL, बुल, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्या है, एलिफेंट, एलिफेंट के स्पेलिंग डालने हैं, आपको पिक्चर्स के साथ दे रखे हैं। नेक्स्ट क्या है, आउल है, तो आउल के स्पेलिंग लिखने हैं, हॉर्स है और कैट है। तो ये हमारा चैप्टर सर्कल फिनिश होता है, आपको ये समझ आ गया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।